जो साधना मैं आपको बताऊंगा वह साधना बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल है और इतना ज्यादा शक्तिशाली साधना है कि अगर एक बार आप इसे सीख गए या फिर एक बार आप इसे कर लिए तो जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता जो है बिगड़ेगा नहीं। अगर बिगड़ने वाला रहेगा तो आप तुरंत जान जाओगे और जैसे ही जान जाओगे तो उस रिश्ते को ठीक कर लोगे। यहाँ तक कि इतना बढ़िया आपका रिलेशन हर एक व्यक्ति या फिर आपके जीवन में जो संबंध इतना अच्छा रहेगा कि व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और हर व्यक्ति के लिए आप बहुत अच्छे रहेंगे। और इस साधना से खास तौर से उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो व्यक्ति मार्केटिंग वगैरह का काम करता है और दूसरी चीज जिसका अपने घर परिवार में अपनी पत्नी के साथ या फिर बेटे के साथ बनता नहीं है, विचारों का मिलन नहीं होता है, तो इस साधना से आप व्यक्ति के साथ उसके मन को पढ़ लेंगे, व्यक्ति के भावों को पढ़ लेंगे, विचारों को पढ़ लेंगे और उसके बाद उसी के अनुसार कार्य करेंगे जिससे कि आपका जो रिश्ता है उस व्यक्ति उस पर्सन के साथ वह इतना गहरा और प्रगाढ़ होगा कि आप हर एक व्यक्ति का पसंदीदा चहेता या फिर हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा बन जाएंगे। यह संभव है इस साधना से। देखिए क्या होता है, अगर आप कुछ काम भी करते हैं, कोई दुकान है या बिजनेस है, व्यापार है, तो उस समय भी आपको व्यक्ति के मन को पढ़ना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, ग्राहक या फिर कस्टमर आपके पास जो सामान लेने आए हैं, कुछ डील करने आए हैं, वह खुश हो जाएगा। और जाहिर सी बात है व्यक्ति जब खुश हो गया तो अगली बार भी आपके पास ही आएगा। यही फॉर्मूला लागू होता है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपका प्यार, आपका जो व्यवहार है अपने पत्नी या फिर पति के साथ बहुत अच्छा है तो ठीक है, लेकिन किसी कारणवश आ भी जाता है रिश्ते में या फिर कुछ समस्या आ जाती है जिससे कि क्या होता है, एक मन मुटाव होने लगता है, मन के बीच गांठ पैदा होना शुरू हो जाता है जिससे कि वह गहराई या फिर वह एक संबंध जो होता है मधुर वाला वह नहीं हो पाता। तो इस साधना के जरिए आप कैसे इन सब चीज़ों को दूर करके हर एक व्यक्ति का चहेता बनेंगे, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब इस साधना को करने बैठेंगे तो आपको आपके अंदर भीतर में ही विचारों और मन के अंदर सूक्ष्म शरीर में ही यह दिखना शुरू हो जाएगा कि व्यक्ति क्या चाहता है। वह नहीं भी बोलेगा तो भी आप उसके जो मनोभाव को देखना शुरू कर देंगे कि वह व्यक्ति यह समय क्या चाहने वाला है, आगे उसको क्या जरूरत पड़ने वाला है, या फिर क्या वह व्यक्ति जो है आपसे मांगेगा या फिर आपसे उम्मीद लगा कर बैठेगा। जैसे रिलेशन है या फिर प्यार है तो तुरंत आप उसे खोने से पहले ही पढ़ लेंगे, आपको वह दिखना शुरू हो जाएगा इस साधना, इस सिद्धि के बदौलत। तो जैसे आप देख लेंगे तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को ही करेंगे जो आपके लिए हितकारी हो या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आपको यह दिख जाए कि अमुक व्यक्ति के साथ किसी कारणवश किसी चीज़ या किसी वस्तु, अहंकार, पद, प्रतिष्ठा, किसी भी कारणवश हो सकते मन मुटाव होने वाला है और वह व्यक्ति आपका बहुत चहेता या पसंदीदा है, तो आप उस चीज़ को, उस कारण को होने नहीं दोगे क्योंकि आप पहले से ही देख लोगे सूक्ष्म शरीर से इस सिद्धि या फिर शक्ति के माध्यम से। तो आप क्या करोगे, जब उस घटना को होने ही नहीं दोगे या फिर उस कर्म को करोगे नहीं, वैसा परिणाम आएगा ही नहीं, और वैसा परिणाम आएगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है आपका जो रिश्ता है या फिर आपका व्यवहार है, आपका जो काम है वह रुकेगा नहीं, व्यक्ति के साथ आपकी मधुरता जो है बना ही रहेगा। और यहाँ पे आप जब इस साधना को करेंगे तो इसकी शक्ति के बदौलत उसके जो भाव है, उसके जो विचार है वह आप जान लेंगे। वह व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं जानेंगे लेकिन आप जान जाओगे कि वह अगर उदास है तो क्यों है, किसी कारण वह नाराज है तो क्यों है, उसको क्या चाहिए और किस कारण से वह व्यक्ति फिर से खुश हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप, रहस्यों को बिना उससे बात के यहाँ तक दूर बैठकर भी जान जाएंगे और उसके अनुसार आप कर्म को करना शुरू कर देंगे। इससे आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं यकीन मानिएगा वह व्यक्ति आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा। यह खास तौर से
पति पत्नी के रिश्ते हो गए, या फिर आपको व्यापार व्यवसाय का कार्य हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा आपको कहीं नौकरी वगैरह करने के लिए जब काम की ज़रूरत होती, तब इस चीज़ से आप बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अनुसार कर सकते हैं। हर एक छोटे से छोटी वहाँ की चीज़ अलाइनमेंट आपके कंट्रोल में रहेगा, आपके अनुसार रहेगा। यह पावरफुल चीज़ अप्लाई करेंगे तो, यह पावरफुल चीज़ है साधना। साधना से ही तो आपको सिद्धि मिलेगी, तभी तो वह शक्ति या फिर ऊर्जा आपके अंदर आएगा, जिससे कि आप चीज़ों को जान पाएंगे, देख लेंगे बिना उसके बताए। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक जो प्रोसेस होता है वह क्या है, इसे जानिए। सबसे बेसिक है, आपको अकेले बैठना सीखना ही होगा हर हाल में, बिना मोबाइल फ़ोन, घर परिवार, नौकरी चाकरी। उसके बाद आप फ़ोन लगाइए, ये पावरफुल साधना बताऊँ।